हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग हिंदी विद अभिनय देशमुख तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सोलह भारतीय छठी कक्षा का कविता नंबर सात नदी कंधे पर तो चले हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं तो मैंने कविता नंबर सात नदी कंधे पर निकाल दिया है यहाँ पर बताया गया गाओ और समझो हमें मतलब मतलब हमें यह गाना है और समझना भी है तो इस कविता के लेखक है प्रभु दयाल श्रीवास्तव तो इनका जन्म इनका जन्म चार अगस्त उन्नीस सौ में हुआ था धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश मतलब इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है रचनाएं लघु कथाएं भास्कर नव भारत में बाल गीत आदि परिचय आप विगत दो दशकों से कहानी कविताएं व्यंग कथाएं गजल आदि लिखते हैं मतलब बीस साल से ये लिखते हैं सब प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभाषा को व्यक्त किया है मतलब बाल मतलब छोटे बच्चों के जो प्रति ये, जो ये भावना रहती है नदी के तो ये तो इन्होंने इस इससे इसे बताया गया तो चले हम शुरू कर दिए अगर हमारे बस में होता नदी उठा कर घर ले आते अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते उदक कुदक कर उछल उछल कम हम मित्रों के साथ नहाते तो अब या फिर लेखक बता रहा है कि अगर अगर हमारे बस में होता मतलब अगर मैं ये कर सकता तो फिर वो क्या करते वो नदी जो नदी रहती है पा, पानी से भरकर तो वो नदी अपने घर के सामने आगे रख देते अपने तो घर के ठीक सामने मतलब अपने घर के सामने आके रख देते थे और और उस और और उसमें वो नहाते थे और 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 उसमें वो नहाएंगे मतलब अगर रखेंगे तो उसमें वो रोज नहाएंगे और फिर कूद कूद कर उछल उछल कर मतलब वो सारे बहुत मस्ती करेंगे और अपने मित्रों के साथ नहाएंगे अगर ये सब बस में होता तो किसके लेखक के आगे देखते कभी तैरते कभी डूबते इतराते गाते मस्ताते नदी आ गई चलो नहाने आमंत्रित सबको करवाते सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते तो लेखक बता रहे कि हम नदी में कभी तैरते हैं मतलब कभी हम स्विमिंग करेंगे मतलब तैरेंगे तो कभी डूबेंगे और फिर हम गाने गा के मौज मस्ती करेंगे और फिर वो जब नदी जा नदी आ गई नदी आ गई ऐसा कहेंगे वो सब सब लोगों का सब लोगों को आमंत्रित करेंगे और और जो लोग और जो लोग नहाने आ जाते नदी में तो उन भद्रजनों का नदी से परिचय कराते मतलब नदी से उनकी वार्तालाप करवाते और उनका परिचय करवाते और अगर उनके मन में आ जाता तो फिर वो थतपथ भी नदी पार कर जाते अगर हमारे बस में होता तो खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते धरे फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते लाए जहा हम उसको जाकर उसे वही रखवाते तो फिर लेखक ने ये पूरा ये पूरी कविता काल्पनिक है मतलब ये इमेजिनेशन से भरी है क्योंकि हम अपने कंधे पर नदी को नहीं ला सकते तो या फिर लास्ट लास्ट ये देखते क्या है तो फिर बता रहे लेखक क्या बता रहे हम नदी के हम नदी के उस पार खड़े रह के और चिल्लाते कि मम्मी मम्मी हम चिल्लाते अगर और फिर सुबह तो वो नहाते बीते चिल्लाते मस्त पर जब शाम डल जाती तो फिर वो क्या करते शाम डल जाती तो उस नदी को फिर अपने कंधे पर रखवाते और जहाँ से उन्हें जहाँ से उस नदी को लाते जाके उसे वही रखाते मतलब जहाँ से उस नदी को लाया था वहाँ पर ही उसको रखाएंगे ऐसा कौन कहते हैं ये सब में हमें ये काल्पनिक रूप से बताया गया है मतलब ये बाल 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 मतलब छोटे बच्चों के लिए ये कविता है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें धन धन्यवाद